हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सीबीएसई में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सीबीएसई हर साल प्रीवियस ईयर से, मतलब पिछले 10 साल से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी में से वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठा करके पूछता है। मतलब इतना टाइम नहीं है सीबीएसई में कि कोई नया क्वेश्चन सेट किया जाए। तो अगर आप सीबीएसई में 95% से एबव सिक्योर करना चाहते हो तो सारे सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। हम लोग अभी लाइट चैप्टर कम्प्लीट किए हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे लाइट चैप्टर का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको डिस्प्लेज होगा तो सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को खुद ही ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मेरे साथ आइएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग जो लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, और 2012 का ये क्वेश्चन कहता है कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन में, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस करते समय आपको सबसे पहले गिवन लिख देना होता है। तो गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है बच्चों, आगे पढ़ते हैं, इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, -12 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद दिया है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और ये कन्वेक्स मिरर दिया है बच्चों। तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, जैसे कि ये आपको हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसी साइड जाके कटता है। तो इस साइड आपको इसका मेन फोकस जो होता है बच्चों वो कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ से जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाएगा, बैक ट्रेस करेंगे यहाँ पे कहीं फोकस बनेगा। तो अगर हम इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, ये सब साइन कन्वेंशन में बताया गया आपको। तो इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव मिलेंगे, तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हो जाएगा +15। आगे देखिए, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसका मैग्निफिकेशन बताइए, और जैसे जैसे दूर लेकर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो इमेज कहाँ में क्या डिफरेंस आएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1/f = क्या होता है, 1/v + 1/u। F के जगह पे 15 पुट करेंगे, 1/15 = 1/v + 1/-12। अब ये देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/15, ये माइनस, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/12 = 1/v। अब इन दोनों का LCM निकाल लेंगे बच्चों, तो इन दोनों का LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा LCM। 15 × 4 = 60, 1 × 4 = 4, और 12 × 5 = 60, तो 1 × 5 = 5, यानी कि 1/v। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया ये 9/60 = 1/v। अब v निकालना है तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 60/9। अब v का वैल्यू ये आ गया इतना सेंटीमीटर। अब आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे डेसिमल में भी का वैल्यू लिख सकते हो। भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9/6 = 54, और फिर 9/6 = 66 आते रहेगा, तो ये ले लेंगे। अब भी अगर पॉजिटिव आ जाए बच्चों, अगर भी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा मिरर के केस में, तो समझिए इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ पे इमेज का जो नेचर हो गया वो क्या हो गया, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट, और इरेक्ट भी पता चल जाएगा जब हम हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। तो पहले मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फार्मूला होता है बच्चों मैग्निफिकेशन का, -v/u। चलिए इसमें पुट करके देखते हैं जो भी वैल्यू हमें पता है। तो सबसे पहले वैल्यू जो हमें पता है ये 60/9, भी का वैल्यू पता है, और यू का वैल्यू कितना है, -12। ये दोनों वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। तो m = लिख देंगे यहाँ पे, m का वैल्यू अब हटा दीजिए, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4.5, -6.6 अगर रखते हैं तो 6.6 रख देंगे, और यू के जगह पर क्या रखेंगे, -12। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 6.6 ×
4.5/12। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आगे फर्दर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको काट देंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये 15 और 3 4 12, फिर ये भी कटेगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 15 3 45 और 4 49 4.95/2। अब इसको करोगे तो 2 2 4 और 2 9 18 और यहाँ से 2 7 14, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा आपको हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज में यहाँ पे पॉजिटिव आया है ना बच्चों, तो जब भी पॉजिटिव आ जाए तो समझिए इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट। अब बड़ा बना है या छोटा ये बताना है आपको। तो 4.5 सेंटीमीटर का था और 2.975 सेंटीमीटर का बना, तो क्या बना है, डिमिनिश्ड बना है। तो इसीलिए क्या लिख देंगे, डिमिनिश्ड। ये तो हुआ एक पार्ट का आंसर। अब कह रहा है कि जब हम इससे दूर लेकर जाएंगे मिरर से ऑब्जेक्ट को, तो इमेज में क्या डिफरेंस आएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं, और आप अगर बनाए होंगे इसको तो आपका आंसर इतना आया होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसके इमेज फॉर्मेशन से देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर इसका पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, इधर हो गया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो कुछ इस तरह से यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे, मान लीजिए यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे था एक रे ऐसे गया जो फोकस से होकर जा रहा था, तो इसको आप आगे की तरफ मिलाएंगे तो फोकस से जाएगा, दूसरा रे ऐसे जा रहा था, और दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे इमेज बन गया। अब जैसे जैसे इसको दूर लेकर जाएंगे ना बच्चों, तो ये फोकस की तरफ जाएगा। आप याद कीजिए कि जब इनफाइनाइट पे लेकर चले जाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, फोकस पे। तो इसीलिए अगर दूर लेकर जाएंगे तो इमेज किधर मूव करेगा, फोकस की तरफ। तो लिख देंगे इमेज मूव्स टुवार्ड्स फोकस, टुवार्ड्स फोकस, इमेज जो है वो फोकस की तरफ मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए 2016 का एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। द इमेज फाउंड बाई ए स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफिकेशन इज -2। अब दिया है कि मैग्नीफिकेशन दिया है -2, हालांकि मैग्नीफिकेशन नहीं भी देता तो रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन माइनस में नेगेटिव में होता है। ठीक है, मिरर के केस में, ठीक है, मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन रियल इमेज का नेगेटिव में होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ द इमेज इज इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज जो है इमेज डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, और रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होता है। रियल इमेज देगा बच्चों तो माइनस में लेंगे, यहाँ पे दिया है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यू का वैल्यू बताइए। इसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ बताइए। चलिए लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर। अब कह रहा है कि अगर 10 सेंटीमीटर मिरर के तरफ अगर मूव कर देते तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इमेज का। तो चलिए वो तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले इस पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में यू निकालना है आपको, मैग्नीफिकेशन दिया है, भी दिया है, और यू निकालना है, और फिर फोकल लेंथ निकालना है। तो इजीली निकाल सकते हो, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस भी अपॉन यू होता है। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के जगह पे -2, भी के जगह पे -30, और यू निकालना है आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यू को यहाँ भेजिए, -2 इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। चलिए तो यू इक्वल टू हो जाएगा -30/2, यानी कि 15, U इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अगर U का वैल्यू निगेटिव आया तो आपका आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है। चलिए अब फोकल लेंथ निकाल के देख लेते हैं, लेंथ मिरर फार्मूला यूज कर लेंगे, 1/V + 1/U। 1/F इक्वल टू भी कितना है बच्चों, भी कितना है -30, प्लस U कितना है -15, दोनों का LCM क्या हो जाएगा बच्चों, LCM हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2। तो यहाँ से अगर करते हैं तो 1/F इक्वल टू हो जाएगा -3/30, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि F इक्वल टू -10 सेंटीमीटर।
ये -10 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि जो मिरर है वो कौन सा है, कनकेव मिरर है। अब सेकेंड पार्ट के तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि क्या होता, सेकेंड पार्ट को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट कह रहा है लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया था 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका एक रे डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये रे डायग्राम हो गया आपको कनकेव मिरर का। फोकल लेंथ कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो 10 सेंटीमीटर पे है तो 20 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और 15 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर और इधर लेके चले गए तो क्या होगा कि पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा, और जब पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा तो इमेज कैसा फॉर्म होगा आप बताइए। दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है इस केस में। आप देखते हो ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक रे लेके जाते हैं फोकस से, दूसरा लेके जाते हैं पोल से। अब दोनों को पोल से लेके जाते हैं, दोनों को जब बैक ट्रेस करते हैं तो कुछ यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड, और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गया, ये दो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे पता किए बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था पहले, तो कितना डिस्टेंस पे था, 15 सेंटीमीटर पे। अब बात बताइए, यहाँ से 10 सेंटीमीटर इधर जाएगा तो कितना डिस्टेंस पे चल जाएगा, 5 सेंटीमीटर पे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो पोल और फोकस के बीच में आ गया, और पोल और फोकस के बीच में आता है तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो लिख देंगे, वर्चुअल इमेज बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये 2016 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं 2015 का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। तो चलिए जो भी गिवन है उसको लिख देते हैं। तो इसमें गिवन है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट HO, कितना 5 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। कह रहा है इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंग है, तो कौन सा लेंस है बच्चों, कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा आप बताइए। कनकेव लेंस ये वाला लेंस होता था बच्चों, ये वाला लेंस होता था, इसके ऐसे जाकर डाइवर्ज होता था, बैक ट्रेस करते थे तो यही तो मेन फोकस होता था। तो देखिए हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं तो इसलिए -10 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, चलिए फोकल लेंथ पता चल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, और क्या है आपको कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, एंड अगेन आगे क्या करा, डिटरमाइन द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड यूजिंग लेंस फार्मूला। ठीक है, आपको पोजिशन नेचर इमेज का बताना है और साइज ऑफ इमेज बताना है, तो ये सब चीज़ें निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जस्ट लेंस फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/F = 1/V - 1/U। यहाँ लेंस के लिए माइनस होता है और मिरर के लिए प्लस होता है। तो चलिए एफ़ का वैल्यू दिया है 1/-10, भी निकालना है, -1/U का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव, -20। ठीक है बच्चों, यू ऑलवेज निगेटिव होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा -1/10 = 1/V + 1/20। इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1/10 - 1/20 = 1/V। यहाँ LCM क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 × 20 = 1, 2 × 2, और ये हो जाएगा 1/V, यानी कि ये हो जाएगा -3/20 = 1/V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -20/3, ये आ गया V का वैल्यू। अब हमें यहाँ पे V का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है बच्चों, और नेगेटिव जब भी आ जाए किसमें, लेंस में, तो नेगेटिव आ जाएगा तो समझिएगा कि वर्चुअल इमेज शो कर रहा है। और वैसे भी जानते हो कनकेव लेंस हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। अब चलिए देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी अपॉन यू, प्लस में होता है बच्चों, मिरर में यहाँ माइनस होता है और लेंस में प्लस में होता है। पूरा प्रूफ आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, चैनल पे जा करके उसको देखिए। तो चलिए हाइट ऑफ इमेज निकालना है,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, भी का वैल्यू अभी निकाले हैं माइनस, यहाँ पे -20/3 है, और यू का वैल्यू -20 है। यहाँ से एच आई का वैल्यू निकल जाएगा -5 = -20/3, यह ऊपर चला जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। अब एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा तो 5/3। यहाँ प्लस साइन ये बताता है कि इरेक्ट इमेज बनेगा। अगर इसको डेसिमल में निकालोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 6 सेंटीमीटर आते रहेगा, और प्लस साइन ये बताता है कि इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। और इससे कंपेयर करोगे तो छोटा बना है, तो डिमिनिश्ड बना है, और इससे पहले भी हम लोग देख लिए कि वर्चुअल बना है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड भी बना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालना था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, 2013 का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। कह रहा है कि इसके डबल, इसके साइज के डबल, और कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है बच्चों। और कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, तो 100 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि डबल होना चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स दिया है। और आपको क्या निकालना है, यू का वैल्यू निकालना है, यू का वैल्यू यहाँ से आपको निकाल देना है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें फोकल लेंथ दिया है, मैग्नीफिकेशन दिया है, यू का वैल्यू आपको निकालना है। डबल ऑफ, डबल का मतलब हुआ कि 2 गुना, और मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स के लिए मैग्नीफिकेशन दिया रहे तो आप समझ जाइएगा कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, वी अपॉन यू होता है। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वी अपॉन यू हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यू का वैल्यू निकालना है, यानी कि वी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू 2u हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f = 1/v - 1/u। f के जगह पे क्या पुट करेंगे, 100, 1/100, 1/v के जगह पे 2u पुट कर देते हैं, तो 2u - 1/u। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1/100, और इसका LCM क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। LCM हो गया 2u। अब देखिए 2u 1 टाइम्स में, तो 1 - u 2 जा, तो 1 2 जा 2। अब यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1/100 = -1/2u। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2u = हो जाएगा -100 - 1 × 100 - 100 होगा। u = क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से -100/2, 2 से ये 50 टाइम्स में, तो u = -50 सेंटीमीटर। यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया बच्चों कितना, -50 सेंटीमीटर। अगर आपको इमेज डिस्टेंस निकालना था, अगर भी निकालना है आपको, तो क्या आ जाएगा, 2 × -50 यानी 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही पूछ रहा है। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 2013 का फिर से आ गया आपको। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 6 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, अभी बताए थे 5 सेंटीमीटर। यूज लेंस फार्मूला टू डिटरमाइन द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -10 सेंटीमीटर, आपको वी और एच आई निकालना है, वी का वैल्यू निकालना है और एच आई का वैल्यू निकालना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों, अभी तक बहुत सारे ऐसे कर चुके हैं, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। एफ के जगह पे क्या होगा बच्चों, 1/-5, वी निकालना है -10, ये -- प्लस हो जाएगा, तो -1/5 = 1/v + 1/10, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/5 - 1/10 = 1/v। इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10।
फाइव टू जा टेन, वन टू जा टू, माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन भी, यानी कि माइनस थ्री अपॉन टेन इक्वल टू वन अपॉन भी। अब यहाँ से भी का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा माइनस टेन अपॉन थ्री, ये भी का वैल्यू आ गया। अब आपको निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बच्चों, अगर लेंस का है निगेटिव साइन है तो ये शो करता है कि इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन अगर लेंस में आ जाए तो समझिएगा भी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। आप हाइट ऑफ इमेज निकालिए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चों, एच आई अपॉन एच ओ, एक और फार्मूला होता है लेंस के केस में भी बाई यू। अब देखिए एच आई निकालना है, एच ओ दिया है 6 सेंटीमीटर, भी का वैल्यू, भी का वैल्यू माइनस टेन बाई थ्री, और यू का वैल्यू, यू देखिए माइनस टेन, तो चलिए देख लेते हैं एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टेन बाई थ्री, और ये टेन यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन, माइनस माइनस कैंसिल, टेन टेन कैंसिल, और नीचे क्या था, सिक्स था, ये सिक्स इधर चला जाएगा तो एच आई इक्वल टू हो जाएगा सिक्स अपॉन थ्री, थ्री टू जा सिक्स। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पॉजिटिव साइन ये बताता है, प्लस साइन ये बताता है कि इरेक्ट इमेज बनेगा, और इससे देखिए 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 2 सेंटीमीटर का इमेज, यानी कि ये इमेज कैसा बना है, डिमिनिश्ड बना है, छोटा इमेज बना है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लेंसेज हैविंग पावर प्लस टू डायोप्टर एंड माइनस फोर डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये आपको पूछा हुआ है 2007 एंड 2012 में। तो क्वेश्चन है टू लेंसेज ऑफ पावर, देखिए फर्स्ट का पावर दिया है कितना, प्लस टू डायोप्टर, आपको बताना है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा ऑफ ईच लेंस, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का नेचर क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। और दूसरा का पावर कितना दिया है, माइनस फोर डायोप्टर। बच्चों जो पावर का होता है यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही होगा फोकल लेंथ, अगर यहाँ प्लस है तो फोकल लेंथ प्लस ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एफ होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 100 अपॉन एफ लिख सकते हैं जब सेंटीमीटर में फोकल लेंथ निकालना होगा। तो देखिए पावर के जगह पर टू यूज पुट कीजिए, 100 अपॉन एफ, एफ इधर जाएगा तो एफ इक्वल टू 100 अपॉन 2, ये कितना आ गया 50, तो f का वैल्यू कितना आ गया, प्लस 50 सेंटीमीटर। बताइए पॉजिटिव किसका होता है, कौन से लेंस का होता है, कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। दूसरा का केस देखिए, पावर इक्वल टू सेंटीमीटर में 100 अपॉन एफ, पावर के जगह पे माइनस फोर, 100 अपॉन एफ, एफ यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन माइनस फोर, फोर से ये 25 टाइम्स, एफ इक्वल टू क्या हो गया, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, मतलब इसका पावर ज़्यादा था फोकल लेंथ कम है, इसका पावर कम था फोकल लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। इसका सेकेंड पार्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑफ पावर माइनस फोर डायोप्टर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। कह रहा है कि इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 100 सेंटीमीटर पर रखा गया है, -100 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो आप इमेज डिस्टेंस भी का वैल्यू निकालिए। एफ निकाल दिए तो भी का वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हो बच्चों, कैसे निकालेंगे तो आप जानते हो, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू, एफ के जगह पे 1 अपॉन माइनस 25, 1 अपॉन भी निकालना है, -1 अपॉन माइनस 100, इसके बाद सॉल्व करके भी का वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो तो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं आपको। तो ये देखो 100 को इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर भेजेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो -1/25 -1/100 इक्वल टू 1 अपॉन भी, 100 एलसीएम हो जाएगा, 25 फोर जा तो 1 फोर जा 4, और यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू 1 अपॉन भी, ये हो जाएगा -5/100 इक्वल टू 1 अपॉन भी, मतलब भी इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, भी का वैल्यू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार पॉज करके खुद से भी करके देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, 2012-2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है,
एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है सो डैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है और माइनस ही होगा, इमेज डिस्टेंस इसमें नेगेटिव ही होगा, वर्चुअल इमेज बनाता है ना कन्वेक्स लेंस. ऑल्सो फाइंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द लेंस, मैग्नीफिकेशन भी बताना है. लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u. एफ के जगह पे 1/-15 इक्वल टू 1/v के जगह पे -10 - 1/u. अब देखिए ये -10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 इक्वल टू -1/u. एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा एलसीएम, तो -2, 10 3 जा 30, तो 1 3 जा 3 इक्वल टू -1/u. यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/30 इक्वल टू -1/u. यहाँ से माइनस इधर भेज दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए, उलटेंगे तो ऊपर u चला जाएगा तो 30 भी ऊपर चला जाएगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर. अब मैग्नीफिकेशन बता दीजिए, मैग्नीफिकेशन होता है v/u. v का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू -30, कट गया. मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, 1/3, मतलब 1/3 टाइम्स जो है इमेज घट जाएगा, इमेज का हाइट. ये क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस सो डैट ऑब्टेन इट्स इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम. इसको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है. एट व्हाट डिस्टेंस एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव का अभी बताया, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, -20 सेंटीमीटर दिया है. आगे कह रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 6 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट 15 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर होता है बच्चों. अब इसमें आपको वी निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकाल देना है और इसका रे डायग्राम भी बना देना है. सिंपल है, लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v - 1/u. 1/f के जगह पे -20 इक्वल टू 1/v, वी के जगह पे -15. 1/u, u के जगह पे बच्चों u तो निकालना है ना, अच्छा वी दिया है बच्चों, u निकालना है यहाँ पे, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1/15 इक्वल टू -1/u. ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है. इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम. 20 3 जा 60, -3 + 4 इक्वल टू -1/u. यहाँ से आप माइनस करोगे तो 1/60 इक्वल टू -1/u. उल्टा करेंगे तो u का वैल्यू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर. अब हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं बच्चों. हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, देखिए मैग्नीफिकेशन से. मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है v/u के बराबर. तो हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है, देखिए हाइट ऑफ इमेज तो निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 दिया है, v का वैल्यू -15 और u का वैल्यू -60. माइनस माइनस कैंसिल, 15 4 जा 60. अब ये 6 यहाँ चला जाएगा तो hi = 6/4, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर. अब प्लस आया है बच्चों, तो ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है, कि यहाँ पे इरेक्ट इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा, और हम लोग जानते हैं कि कनकेव लेंस है तो सीधा ही इमेज फॉर्म करता है और छोटा फॉर्म करता है. 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और ये हो गया आपको इमेज. रे डायग्राम फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म करेंगे एग्जाम में, इसको देख लीजिए एक बार बच्चों ध्यान से, कि एग्ज़ाम में इसका रे डायग्राम कैसे फॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले तो आपको कनकेव लेंस बना लेना होगा, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस खींच दोगे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से मेजर कीजिएगा, यहाँ से आपको फोकल लेंथ के लिए कितना था, 20 सेंटीमीटर. आप यहाँ पे ऊपर लिख दीजिएगा टेकिंग स्केल, ऐसा स्केल ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर = 1 यूनिट का, तो ये 20 सेंटीमीटर है तो कितना लोगे, 2 सेंटीमीटर, नहीं तो 20 सेंटीमीटर इतना बड़ा थोड़ी खींच पाएंगे कॉपी पे. तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे हो गया फोकल लेंथ, और यहाँ हो जाएगा आपको 2f, यहाँ पे आपको f2 है, ये 2f2 हो जाएगा,
इधर F1 टू F1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपको, U का वैल्यू निकाले हो 60 सेंटीमीटर पे, तो देखिए 15 और 15 30 हो गया, और इतना ही डिस्टेंस और इधर ऑब्जेक्ट को रखना है, मतलब लगभग 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा। यहाँ से लेकर आइएगा, एक रे ऐसे चला जाएगा फोकस की तरफ होकर के, एक रे ऐसे लेके जाइएगा ऑप्टिकल सेंटर से। अब इस दोनों को बैक ट्रेस करेंगे, कहीं मिलेगा वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। इसको स्केल पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस था। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।